हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे चिल्ड्रेन क्लास 5 का दूसरा चैप्टर चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन डोंट फॉरगेट। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन डोंट फॉरगेट देयर आर एल्व्स एंड फेयरी सेट। यहाँ पे बोला है कि बच्चे लोग डोंट फॉरगेट, मतलब आप लोग मत भूलो। अभी भी क्या है, देयर आर एल्व्स एंड फेयरी सेट, अभी भी परी परी जो होता है वो अभी भी है, मतलब गायब नहीं हुआ है, अभी भी है। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं ना, ये उड़ रहे हैं और इस साइड में ये भी उड़ रहे हैं। ये क्या है, परी है ये। तो इसके बाद है, व्हेयर द नोटी नोटी हॉथर्न ग्रोस लुक फॉर फ्रेंड्स ऑफ फेयरी ट्वेस। व्हेयर द नोटी हॉथर्न ग्रोस, हॉथर्न ग्रोस मीन्स क्या है इसका मीनिंग, हॉथर्न ग्रोस मतलब वो ग्रोस है, ये ग्रोस है यहाँ पे जो दिख रहा है ना, मतलब इसका फल जो है रेड कलर का होता है और मतलब वाइट कलर का भी होता है। तो और उसका पत्ते जो होता है वो क्या है, मतलब ग्रीन कलर का होता है। तो ये हॉथर्न हॉथर्न ग्रास है, ये इसको क्या बोलता है, हॉथर्न बोलता है। तो क्या बोला, व्हेयर द नोटी हॉथर्न ग्रास लुक फॉर प्रिंस ऑफ फेयरीज ट्वेस। यहाँ पे क्या है, इस हॉथर्न ग्रास में ये पोरी का जो मतलब टॉयस है, मतलब जो पाव है उसका क्या कर रहा है, उसका जो रिफ्लेक्शन यहाँ पे पड़ रहा है। तो इस यही बोल रहा है कि व्हेयर द नोटी हॉथर्न ग्रास लुक फॉर प्रिंस ऑफ फेयरी ट्वेस, मतलब जहाँ पे हॉथर्न ग्रास में देखो लुक फॉर प्रिंस ऑफ फेरी ट्वेस, हॉथर्न ग्रास में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्या होगा, फेरी ट्वेस मतलब पोरी का जो पाव होता है ना उसका सभी वहाँ पे मतलब दिखता है, मतलब झलकता है। उसका बाद क्या है, व्हेयर द ग्रेसी रिंग्स आर ग्रीन मूनलाइट डांसेस शैल बी सेम। व्हेयर द ग्रेसी रिंग्स, ग्रेसी रिंग्स मतलब रिंग जो होता है जैसे हम लोग हाथ में जो पहनते हैं वो क्या है, ग्रेसी रिंग्स मतलब घास से बनाया हुआ जो रिंग्स है आर ग्रीन। वो अगर घास से जो ग्रास होता है उससे उसका अगर वो अगर मतलब ग्रास रिंग अगर ग्रास से बना जाएगा तो उसको तो दिखने में तो ग्रीन लगेगा ही ना, ग्रीन लगेगा ही। तो क्या है, और द ग्रेसी रिंग्स आर ग्रीन, जो जहाँ पे क्या है ग्रेसी रिंग्स मतलब घास से बनाए हुआ रिंग्स मूनलाइट डांसेस शैल बी सीन, वहाँ पे क्या है मूनलाइट को दिखने में ऐसा लगता है कि वो नस रहा है। वो क्या कर रहा है, डांसेस शैल बी सीन मतलब ऐसे दिखता है कि मतलब वो ग्रेसी रिंग्स में ऐसे दिखता है कि मूनलाइट वहाँ पे डांस कर रहा है या नस रहा है। व्हाट्स एंड वेट वो लकी यू इफ यू फाइंड अ फेयरी शो। व्हाट्स एंड वेट मतलब देखो और रुको, वो लकी हो इफ़ यू फाइंड अ फेयरी शो, अगर आपको फेयरी शो मिल गया मतलब पूरी का जो शो है वो अगर मिल गया तो आप क्या हो, बहुत ही लकी हो। फॉर ए रैनसम ही विल पे रोबलिंग फेयर फूट ऑल द डे। फॉर ए रैनसम, रैनसम मतलब गुलाम आज़ाद करना, किसी को अगर किसी ने मतलब कहीं से मतलब छोड़ के लाया तो वो क्या बोलता है, रैनसम बोलता है। फॉर ए रैनसम ही विल पे, कहीं पे फंस जाते हो या भाई कहीं पे मतलब आपको किसी ने ख़रीद लेता है तो वो आपको क्या करेगा, मतलब आपको आपको उनको पैसे दे के आपको मतलब आज़ाद करके लेके आएगा। एंड होबलिंग बेयर फुट ऑल द डे, और आपके लिए मतलब पूरा दिन वो क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, होबलिंग करेंगे मतलब अर्न करेंगे, मतलब आपके लिए वो मतलब तकलीफ उठाएंगे। ले इट ऑन ए मशरूम सीट और उनको क्या करेंगे, आपको मशरूम सीट में बैठने के लिए बोला है। मशरूम सीट वो होता है जो रेशमी कपड़ा होता है ना, और रेशमी कपड़े का जो मतलब कपड़ा है मतलब बहुत ही सॉफ्ट एक कपड़ा है उसको मशरूम बोला जाता है। तो रेशमी कपड़े से जो सीट बनाया जाता है बैठने के लिए, वहाँ पे उनको मतलब लेटने के लिए बोला है यहाँ पे। ले इट ऑन मशरूम सीट, विश योर विश एंड गो योर अवे। इफ योर विश शुड बी डिस्क्रीट नेवर फेयर बट ही विल पे। अगर आपका जो विश है, आपका जो मनोकामना है, अगर वो आप मतलब फुलफिल करना चाहते हो तो इफ योर विश शुड बी सीक्रेट, आपको
अगर मतलब सक्सेस होना है, अगर आपको मतलब जो आप चाह रहे हैं, आपका जो मतलब विश है वो अगर आप सक्सेस करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ जाइए, नेवर फेयर बट यू विल पे। आपको क्या करना नहीं पड़ेगा, आपको बिगड़ने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि बट ही विल पे, क्योंकि वो आपके लिए क्या करेंगे, पे करने के लिए, पे करने के लिए क्या है मत। तो इसके लिए आपको मतलब चिंता की कोई कारण नहीं है। तो इसी के साथ ये ख़त्म हो गया। ये जो लिखा था वो कौन लिखा था, डोरा ऑन, डोरा ऑन, ये देख लीजिए, ये एग्ज़ाम में पूछ भी, ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं आप, देख लीजिए। तो इसी के साथ ये पोएम जो है ख़त्म हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो क्वेश्चन पार्ट है, जो मिसले का जो क्वेश्चन का जो पार्ट है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो आप इस पोएम को आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से रीडिंग करना, रीडिंग करके वो अच्छी तरह से रीडिंग करके मुझे सुनाना, क्योंकि मैंने तो समझा दिया, क्योंकि आपको अगर आप लोग मतलब घर में रीडिंग नहीं करेंगे, तो आपका रीडिंग जो मतलब स्किल है वो दिन दिन पे दिन वो क्या होगा, ख़राब होते जाएगा। तो इसलिए आपको रीडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, मैंने तो आपको समझा दिया ही। तो आप लोग घर में अच्छी तरह से रीडिंग करना, और मीनिंग जो है मैंने समझा दिया, अगर आएगा तो क्या करेंगे, ये वीडियो को बार बार रिपीट करके आप मतलब देख के दोहरा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।